हेलो फूडीज, वेलकम टू क्रिएटिंग फूड्स। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान सी रेसिपी और ये है जूसी, रियली वेरी वेरी जूसी और क्रंची सैंडविच की रेसिपी जो कि सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हुई है। ये इतनी जूसी है कि आपको इसे खाने में बहुत मज़ा आने वाला है और जब आप इसकी पहली बाइट लेते हैं तो जो ब्लास्ट ऑफ फ्लेवर्स आपके मुँह में होता है वो वर्ड्स में नहीं बताया जा सकता। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये जूसी और क्रंची सैंडविच कैसे बनती है। इसे बनाना बहुत आसान है, मैंने इसे ब्राउन ब्रेड यूज़ करके बनाया है तो ये बहुत ही हेल्दी है और ज़रूर इसे बनाइए और सबको घर पे खिलाइए। तो चलिए देखते हैं इसकी रेसिपी। तो गाइस, ये रेसिपी शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने ले लिया है एक सॉस पैन और इसमें मैंने डाल दिया है बटर। जी हाँ, मैंने इधर बटर का यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने फ्लेम को एकदम लो रखा है और मैंने डाल दिया है चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मैंने लिया है 1/2 टीस्पून और मैंने अब डाला है इसमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और मैंने डाला है पाव भाजी मसाला। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और पाव भाजी मसाला दोनों 1/2 टीस्पून यूज़ किया है। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर में बिल्कुल भी तीखापन नहीं होता है। और यहाँ पे पाव भाजी मसाला मैंने एक बहुत ही ऑथेंटिक से और यूनिक से फ्लेवर के लिए डाला है। तो इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने बटर के साथ और फिर हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड अनियंस। यहाँ मैंने अनियन को अच्छे से चॉप कर लिया है और मैंने एक अनियन यानी कि एक प्याज डाला है इसमें। और इस मोमेंट में आप चाहें तो इसमें तेल भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून घी का यूज़ किया है। आप घी या तेल दोनों में से कुछ भी डाल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी रॉ फ्लेवर आ रहा है सब चीज़ का। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा घी यूज़ किया है ताकि बहुत ही मैजिकल और ब्राइट कलर आए। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। तो यहाँ पे मैंने एक शिमला मिर्च को ऐसे लंबा लंबा डाइस किया है। ये देखिए, इसमें सारी सब्ज़ियाँ मैंने लंबी काट करके डाली हैं, आप भी ठीक वैसे ही डालें। इससे आपकी सैंडविच बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो जाती है, सब्ज़ी लंबी काटने से नहीं, ये जो यहाँ पे सब्ज़ी मैंने यूज़ की है वो सारी सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करने से। और अब मैं इसमें डालूँगी टमाटर। मैंने टमाटर लिया है एक और इसे भी आप देख सकते हैं कि मैंने कैसे चॉप किया है। यही लाएगा आपकी सैंडविच में जूसी फ्लेवर। और ऐसा नहीं है कि आप जूसी बना रहे हैं सैंडविच तो आपको ज़्यादा टमाटर की ज़रूरत है। यहाँ पे मैंने सिर्फ एक टमाटर डाला है और एक टमाटर डालने से ही मेरी सैंडविच बहुत ही जूसी और बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। तो यहाँ पे हम डाल देंगे टमाटर के बाद नमक। नमक सॉल्ट टू टेस्ट आपको डालना है यहाँ पे स्वाद अनुसार। और मैंने डाल दिया है 1/2 टीस्पून चाट मसाला पाउडर। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और जब हमारा टमाटर ट्रांसलूसेंट हो जाए तब तक के लिए हमें इसे अच्छे से पका लेना है। ये मुंबई की बहुत ही फेमस सैंडविच है। हर स्ट्रीट के ठेले पे, जो भी सड़क पे ठेले लगते हैं वहाँ पे आपको ये सैंडविच ज़रूर मिलेगी। ये क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेमस है, क्योंकि इसका टेस्ट ऐसा है कि ये सबको बहुत पसंद आती है। और मैंने इसमें डाल दिया है यहाँ पर ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। मैंने एक चुटकी काली मिर्च का पाउडर डाला है, इससे बहुत ब्राइट टेस्ट आता है। और इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून मियोनी। मियोनी आपके जितने भी चिली स्पाइसी फ्लेवर्स हैं सबको बैलेंस कर देगा क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा सा स्वीट होता है। तो यहाँ पर हमारा मिक्सचर तैयार है, इसमें हम डाल देंगे ऑरिगैनो फ्रॉम द टॉप और अब हम इसे लगा लेंगे ब्रेड पर। यहाँ पे मैंने ब्राउन ब्रेड यूज़ किया है, आप चाहें तो वाइट ब्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम लगाएंगे शेजवान चटनी। अगर आपको बहुत स्पाइसी नहीं पसंद हो तो आप मियोनी का भी यूज़ कर सकते हैं, आप केचप का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ा स्पाइसी पसंद है और ये सैंडविच नॉर्मली बहुत स्पाइसी होती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर शेजवान चटनी का यूज़ किया है। और 2 टेबलस्पून अपना ये जो वेजिटेबल का मिक्सचर है ये हम दोनों सैंडविच यानी कि दोनों ब्रेड्स पर ऐसे स्प्रेड कर लेंगे और इन दोनों ब्रेड्स के ऊपर हम दूसरी ब्रेड रख देंगे। एक ब्रेड को मैंने ऐसे नॉर्मली रखा है और सैंडविच बनाया है, ये नॉर्मल वेज सैंडविच है। और इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा इनोवेशन करने की कोशिश की है तो मैंने इसे चीज़ सैंडविच का रूप दिया है। तो यहाँ पर मैंने इसमें चीज़
डाइस करके ऐसे रखा हुआ है। मैंने यहाँ पे चीज़ क्यूब्स ली थी, उन्हें मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है और फिर मैंने उसे ब्रेड के ऊपर रख दिया। तो ये दोनों अलग अलग सैंडविचेस तैयार हैं। जो चीज़ सैंडविच है वो स्पेशली मैंने बच्चों के लिए तैयार किया है क्योंकि उन्हें चीज़ बहुत पसंद है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे उसी सॉस पैन में मैं अपनी सैंडविच को दोबारा से ग्रिल करने जा रही हूँ, दोबारा से पकाने जा रही हूँ, क्योंकि इस पे जो मसाले का फ्लेवर है वो मेरी ब्रेड पे जब लगेगा तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आने वाला है। तो मैंने वही सॉस पैन का यूज़ किया है यहाँ पर। यहाँ पे मैंने एक टेबल स्पून घी डाली है और उसके ऊपर मैंने अपनी ये सैंडविच रख दी है और इसे हम अच्छे से पका लेंगे। यहाँ पे मैंने घी का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि घी से बहुत अच्छा क्रंच आता है सैंडविच पे। यकीन मानिए घी से सैंडविच बहुत ज़्यादा टेस्टी और क्रंची बनके तैयार होती है। तो ये सैंडविच अगर आप घी में बनाएंगे तो आपको नॉर्मल सैंडविच से बहुत ही अलग टेस्ट आने वाला है इस सैंडविच में। तो इस सैंडविच को आप घी में ज़रूर बनाइएगा। यहाँ पे मैंने घी पे और बटर में दोनों में सैंडविचेस को बनाया है। पहली सैंडविच मैंने घी में बनाई है और दूसरी सैंडविच मैंने बटर में बनाई है। देख सकते हैं आप मेरी ये सैंडविच बनके तैयार है और ये जो मेरी वेजिटेबल चीज़ सैंडविच है इसे मैंने बटर पे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने हाफ टी स्पून बटर आगे और हाफ टी स्पून बटर पीछे अच्छे से स्प्रेड कर लिया है अपनी ब्रेड पे और इसे पका लिया है। मैंने इसे उसी सॉस पैन में दोबारा से पका लिया है और ये देखिए कितना अच्छा कलर और ये ब्राउनिश कलर तैयार हो गया है आकर। इसका मतलब ये है कि मेरी सैंडविच एकदम बढ़िया से पक चुकी है। ये देखिए हम इसके ऊपर से ऐसे बटर ग्रीस कर देंगे ताकि अच्छे से हमारी सैंडविच पक जाए और क्रंची फ्लेवर हमारी सैंडविच में आए। ये सैंडविच हमने बटर में बनाई है, पिछली वाली सैंडविच हमने घी में बनाई थी। आप जब दोनों सैंडविच बनाकर टेस्ट करेंगे तो आपको डिफरेंस खुद ब खुद पता चलेगा। ये देखिए ये कितनी क्रंची है और अंदर से कितनी ज़्यादा जूसी है। बहुत ही टेस्टी सैंडविच बन के तैयार हुई है। आप ज़रूर ये दोनों सैंडविच ट्राई करिए। ये बहुत स्पाइसी है और मुंबई की स्पेशल सैंडविच है। आप इसे घर पे सिर्फ 5 मिनट पे घर में रखे इंग्रेडिएंट्स के साथ बना सकते हैं। आप किसी भी ब्रेड के साथ इस सैंडविच को बनाइए और घर पे सबको खिलाइए। ये बहुत जूसी है और बाहर से उतनी ही ज़्यादा क्रंची है। इसमें सारे मसाले हैं तो जब आप इसका फर्स्ट बाइट लेंगे तो आपके मुंह में बर्स्ट ऑफ फ्लेवर्स होगा जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। आप इसे घर पे आए मेहमानों को खिला सकते हैं, पार्टीज़ में बना सकते हैं या फिर अपने बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं। ये बहुत अच्छी सैंडविच है और काफ़ी अच्छा स्नैक है। तो ज़रूर ट्राई करिए ये सैंडविच और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर करना ना भूलें। ये वेज स्पेशल जूसी सैंडविच सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हुई है और बहुत ही आसानी से आप इसे घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो। थैंक यू, बाय बाय।